सखर में कतल थी वेल शहीद जान मोहम्मद मेहर जी याद में हैदराबाद प्रेस क्लब में PFUJ आई HUJ जे पारा आसरो न इंसाफ खपे जे नाले सा एक ताजियती कॉन्फ्रेंस जो एहतमाम कयो वयो जे में सहाफी सियासी समाजी कॉम्परस पार्टन इंसानी हकन वाली तंजीमुन वकीलन जा अगवान शरीक थिया जे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सिंध जे सदर निसार खोड़ो PFUJ जे अगवान लाला असद पठान सीनियर सहाफी खालिद खोखर हैदराबाद प्रेस क्लब के सदर लाला रहमान समूह सिंध तरक्की पसंद पार्टी के अगवान डॉक्टर कादिर मक्सी कौमी अवामी तहरीक के अगवान अयाज लतीफ पलीजो न्यास कालानी सीनियर कानूनदान यूसुफ लगारी ए बेन शिरकत कई जी नाजरीन असा सा मौजूद है लाला असद साहब PFUJ जी मुतहरक कारकुन मेंबर बन इनका पूछूँ था कि अगर पुलिस जेका या गवर्नमेंट जी जेका रिट है वह कामयाब न थी सही शहीद जान मोहम्मद मेहर जे कातिलन की गिरफ्तार करण में त हनन जो अग्यो कदम छा हो सो असा जो पहरे डी खाई एकड़ो वन नुकाती एजेंडा है तो शहीद जान मोहम्मद मेहर जे कातिलन के गिरफ्तार कयो वने पर वडे अफसोस सा चणो तो पए त अन्या तई सिंध पुलिस न कम नाकाम भई आ असा यो जाती तौर ते जानियूं था तो सिंध पुलिस की या कैपेबिलिटी ना है तो जी अंदर उन धाड़ेलन तीन वही सन जिन्हें वट नेटो जहा हथियार जदीद तरीन हथियार सिंध पुलिस वट उन लेवल जो को भी हथियार ना है इन करे मां काफ़ी अरसे का यो मुतालबो तो क्या तो छोटू बखराणी के खात्मे लाए जो पाक फौज वही सके थी तो शहीद जान मोहम्मद महर के कातलन की गिरफ्तारी डॉक्टर सावन के कातलन की गिरफ्तारी और सिंध जहा अलाय घना मूँ जो अंदर अगवा जैमें बाड़ा छोकरा उनको सिवा बया इंसान है तो उन्हें भी बाजियाबी अमल में आती वे उनके कातलन की गिरफ्तारी कई वे मुख्य उम्मीद है तो जैसे पाक फौज ऐलान थी करे बिन ऐन लाए भी अंदर वने थी तो ये सब जो सब उनके सामू सरेंडर कर व्यूवर्स निसार खोड़ो साहब असर मौजूद है उनका पूछना है सर ये बुझाज कि शहीद जान मोहम्मद कातिल उनकी गिरफ्तारी अमल में अना छो को अची सही है ना यह तो उनकी वजूहत रोजाना जो क्राइम वे पे कदें खत्म थी कातिलन के गिरफ्तार करना जरूरी है फर्ज है हुकूमत कई भी हुए इंसान जो कत्ल अल्लाह जो डोह उनकी खलकल जिंदगी के कोई ख़त्म करे तो वो नाकाबिले माफी आ ठीक है असा चाहूँ था तो उनके जल्द अमल थे ऑपरेशन थे रेंजर्स कन कोई भी कन पर यो सबक हुए सभी जो कड़ो वाक्य न थे असं समझू था तो जैसे केर यो मुतालबो तो करे या गाल तो करे तो भाई सिंध हुकूमत कातिलन के गिरफ्तार करने में नाकाम वही है तो आउं इन सा मुतफिक ना आउं चाहां तो सिंध हुकूमत ए पुलिस कातिलन के बचाने में कामयाब वही है 42 दिन आ कातिल के अणजाण तो ना नामालूम तो ना FIR में नॉमिनेट इं भी खबर आ किथे वेठा तो सिंध हुकूमत जेकर ये 6 मानू जेके कचे में वेठा जो सखर का 12 किलोमीटर आ शिकारपुर का 6 किलोमीटर आ वो जैसे गिरफ्तार नथी करे सके तो मतलब इन हुकूमत के इस्तीफा देना घुर्जे जान मोहन मेहर शहीद जो है एक इनताई पैं वजूद में एक ईमानदार नौजवान हो उन सियासी सफर STP तरक्की पसंद पार्टी से कर असो इब्तदाई साथी हो जैसे सखर में दहशतगर्दी उरूज से हुई बिल्कुल सिंधी मानू की जिंदगी तंग हुई उन वक्त एक यंग जान मोहन मेहर उन सजी मजामती तहरीक में एक तमाम शानदार किरदार रो असो मुतालबो सिर्फ साग्य तो भई जान मोहन मेहर जहा कातिल ज़ाहिर जैसे ज़ाहिर तो गिरफ्तार छो ना थियन भा गिरफ्तार छो ना थियन हुकूम चवे थी लिखल मां तो चवा तो कड़े सरदार के तहफुज में ये कातिल किथे जैसे असा सा वजीर दाखिला या DC या SP मशवरों कर तो मां जे मशवरे ते हले 24 कलाक में कातिल गिरफ्तार थी वेंदा अयाज लतीफ पली जो असां सां गॾु मौजूद आहिनि इनका पुछू था डेफिनेटली इन्हनि इलाही निशानदेही भी कई कानून जे हिसाब सां सब कुछ बुधायो वरी भी इन्हनि खां पुछंदासीं कि छा जीअं जान मोहम्मद मेहर के शहीद कयो वियो आहे ईअं ई साफ़िन खे अगरि शहीद कंदा रहंदा ऐं उन जो को सुकून जो को हिसाब कोन थींदो त हिन मुल्क में पोइ छा थींदो सिंध जो माण्हू जेको बुनियादी सबबु आहे मसल मलेरिया है बुनियादी सबब मच्छर है मच्छर के छे मू दाव वेठो करे तो मलेरिया 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 तबाही थी वही मच्छर की निशानदेही न करे मच्छरदानी लगाई न मेट बारे न जिलेबी बारे न सजो ढी दाव करे मच्छर वा ज़ालिमन मच्छर वा ज़ालिमन जान मोहम्मद मेहर से इंसाफ थे को तो, केर को तो करे निज़ाम प्रोसिक्यूशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन
वह एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस कें मुकर कई पीपुल्स पार्टी हुकुमरान धुरन समझ तो हुकुमरानी 15 साल का कें है पीपुल्स पार्टी की एमएनए एमपीए सरदार उन्होंने ताकतवर कें बनाया पीपुल्स पार्टी नाजम कें मुकर कया पीपुल्स पार्टी डीसी एसएसपी मुख्तियारकार डीएसपी एसएचओ कें मुकर कया पीपुल्स पार्टी उनको नालो वो ही को जिक्र कड़ो करो जान मोहम्मद मेहर से इंसाफ कर फातिमा फुरड़ो से इंसाफ कर नाजिया चन्ना से इंसाफ केर करे माँ ये कहती है जो बार के बो बार मथो पे फाड़े वो चे तो मथो न फाड़ींदड़ होशियार रहो वह चवी है फलाने के तू छोरा तू उनके मथे में धक् नण भा के न मार तो सिंधी समाज पो जो करे पो उन जिक्र न तो करे तो तू उन मथो न फाड़ फलाना अलाना इन्हें रोक वो न जुल्म थियो जान मोहम्मद मेहर सा फातिमा का जुल्म थियो फलाने का जुल्म थियो जुल्म कंदड़ वो निज़ाम है वह हुकूमत है जिनके सिंध ने बिजा तीर बिजा कर नची टुपी वही सर देखे जान मोहम्मद मेहर के खून जा पेरा रुगो कें फर्द में न उन फर्द उन डोहारिया के सपोर्ट कंदड़ सभी धुरन में गोल लड़ान आऊँ सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश कद साफ ही भावर के गुजारिश कई आऊँ शाबाश तो सुनो प्रोग्राम कर गुजारिश तो कन तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 के सब क्लास 3 तहत दरख्वास्त दियो तो सिंध के समूरन साफिन के खूनन में मुलविस डोहारन के सजा चाहिए आज़ादी राय की इजहार की जो आज़ादी है उनकी मुनाफ़त है उनको कत्ल है साफ ही एक कत्ल को सिर्फ आज़ादी राय इजहार जो है जिन मानों भी आज़ादी की गाल कहे इजहार कियाी राय ली है उन्होंने यह सजा मिली है जैसे इन माशरे में जिसे ट्रैफिक जो कानून को ट्रैफिक जो लॉ खोल तो रूल ऑफ लॉ लाए इन माशरे में लाजमी है इंसाफ मिले तो उनमें उ तबका जी हिंसर आज़ाद हैं जी साफ ये वकील उन गजी जिद करें बया समाज जो हो समाज का तबका भी गजन इतने ट्रेड यूनियन को लेबर यूनियन को स्टूडेंट यूनियन को तमाम ढी जिदोद थी पे है तेरे जैसे समाज के सियासी पार्टियों कारकुन गजी या जिदोद कन तो मैं समझा तो सुठी थी इंशाला कातिल गिरफ्तार करना अगत साफ ही वकील बया आज़ाद मानू जी नाजरीन जी तो दिठो कि पी एफ यू जे सद एच यू जे सद है अज यो कॉन्डोलेंस प्रोग्राम इतने रखो वो कॉन्फ्रेंस हुई उनमें तकरीबन सिंध के काफ़ी सहाफिन शिरकत कई सियासी समाजी माहौल शिरकत कई उन्होंने व्यूज़ भी दिना सभी इो ही चवण है कि शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिल के फौरन गिरफ्तार कर वे अदरवाइज अस एहतजाज के दायरे के वसी कदी अज तई एत ही मिलासी कें प्रोग्राम में कैमरामैन जान अली सागर शायस्ता सुरहो ऑनलाइन एन एस टी वी हैदराबाद।